ओके, वेलकम बैक। और आज हम नेक्स्ट सम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है पढ़ो। फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एन अनसिमेट्रिकल आई सेक्शन अबाउट सेंट्रोइडल एक्सिस। ठीक है, लास्ट सम जो देखा हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 7 में, क्या था वो? कि फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिमेट्रिकल आई सेक्शन। ठीक है, तो एक बार मैं दोनों का डिफरेंस बता देता हूं। लास्ट क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन नंबर 7 में क्या था? सिमेट्रिकल आई सेक्शन। तो ये है आई सेक्शन, लेकिन कैसा है? इसका नाम क्या है? सिमेट्रिकल। और अगर सिमेट्रिकल आई सेक्शन है तो उसका प्रॉपर्टी क्या है? कि सिमेट्रिकल आई सेक्शन हमेशा एक्स एक्सिस से और वाई एक्सिस से क्या रहेगा? सिमेट्रिकल रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 में जो हमें पूछा है कि अनसिमेट्रिकल आई सेक्शन, तो ये एक आई सेक्शन रहेगा, लेकिन कैसा रहेगा? ये अनसिमेट्रिकल। ठीक है, तो यहां पे तुम देखोगे कि सिमेट्रिकल आई सेक्शन में ये क्या हो जाएगा? सिमेट्रिकल आई सेक्शन, और ये क्या है? अनसिमेट्रिकल आई सेक्शन। ठीक है, तो सिमेट्रिकल आई सेक्शन का प्रॉपर्टी क्या है? कि सिमेट्रिकल आई सेक्शन वाई एक्सिस एक्स एक्सिस से सिमेट्रिकल रहेगा। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये हमको मालूम होना चाहिए कि जो भी सेक्शन हमको दिया जाएगा, नॉन स्टैंडर्ड फिगर जो भी दिया जाएगा, वो कौन सा एक्सिस से सिमेट्रिकल है, कौन सा एक्सिस से सिमेट्रिकल नहीं है, उसका नॉलेज हमें होना चाहिए। ठीक है, तभी जाके हम लोग इसका सम्स को सॉल्व कर पाएंगे। तो अनसिमेट्रिकल में क्या रहेगा, उसका प्रॉपर्टी क्या? कि अनसिमेट्रिकल में, इन अनसिमेट्रिकल आई सेक्शन में, अनसिमेट्रिकल आई सेक्शन में इट विल बी सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस। वाई एक्सिस से सिमेट्रिकल रहेगा, इसका मतलब क्या? अगर हम वाई एक्सिस से उसको फोल्ड करें तो दोनों हाफ क्या होगा? एग्जैक्टली मैच हो जाएगा। लेकिन ये एक्स एक्सिस से सिमेट्रिकल नहीं होगा, एक्स एक्सिस से सिमेट्रिकल नहीं होगा। इसका मतलब क्या हो गया? कि अगर मैं एक्स एक्सिस से उसको फोल्ड करूं तो दोनों हाफ एक दूसरे से एग्जैक्टली मैच नहीं होगा। कैसे नहीं होगा? क्योंकि तुम देखोगे कि ये अनसिमेट्रिकल आई सेक्शन है। इसका मतलब ये है कि जो फ्लैंज का जो डायमेंशन रहेगा, दोनों टॉप फ्लैंज एंड बॉटम फ्लैंज दोनों का डायमेंशन अलग अलग रहेगा। सिमिलरली यहां पे सिमेट्रिकल आई सेक्शन में क्या होता है कि टॉप फ्लैंज एंड बॉटम फ्लैंज का डायमेंशन सेम रहता है। ठीक है, इसलिए हम लोग क्या कहते हैं कि सिमेट्रिकल आई सेक्शन एक्स एक्सिस से, वाई एक्सिस से, दोनों एक्सिस से सिमेट्रिकल है। लेकिन अनसिमेट्रिकल आई सेक्शन सिर्फ वाई एक्सिस से सिमेट्रिकल है, एक्स एक्सिस से सिमेट्रिकल नहीं है। ठीक है, लास्ट के दो लेक्चर्स में हमने ये स्टार्टिंग में सेक्शंस किए थे। ठीक है, मैंने साफ साफ बताया था कि कौन सा सेक्शन कौन से एक्सिस से सिमेट्रिकल है, वो प्लीज ध्यान से रखो क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नाउ लेट अस मूव अहेड, क्वेश्चंस पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर एट क्या है? क्वेश्चन में लिखा क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एन अनसिमेट्रिकल आई सेक्शन। आई सेक्शन कैसा है? अनसिमेट्रिकल। ठीक है, अबाउट सेंट्रोइडल एक्सिस हैविंग फॉलोइंग फ्लैंज डिटेल्स। सो हम पहले क्या करते हैं, एक अनसिमेट्रिकल आई सेक्शन बना लेते हैं। अनसिमेट्रिकल आई सेक्शन का क्या है? टॉप फ्लैंज एंड बॉटम फ्लैंज दोनों का डायमेंशन अलग अलग होगा। हो सकता है कि टॉप फ्लैंज छोटा है, बॉटम फ्लैंज बड़ा है, या फिर इसका उल्टा भी हो सकता है, मतलब टॉप फ्लैंज बड़ा है, बॉटम फ्लैंज छोटा है। ठीक है, सो हम पहले देखेंगे कि डायमेंशन क्या है इसका। तो यहां पे क्या लिखा है कि फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एन अनसिमेट्रिकल आई सेक्शन अबाउट सेंट्रोइडल एक्सिस हैविंग फॉलोइंग डिटेल्स। टॉप फ्लैंज कितना दिया है? 160 mm बाय 12 mm, 160 by 12 mm टॉप फ्लैंज। बॉटम फ्लैंज कितना दिया है? देखो यहां पे 240 mm बाय 12 mm। ओके, राइट, टॉप एंड बॉटम फ्लैंज दोनों का डायमेंशन अलग अलग है,
राइट। उसके बाद वेब, वेब का डायमेंशन क्या दिया है कि दिस इज वेब 200 mm, वेब किसे कहते हैं, ये वर्टिकल हाइट को वेब, और इसका थिकनेस कितना दिया है 10 mm, ठीक है, क्या दिया है 10 mm। क्वेश्चन क्या पूछा है मुझे, फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई, किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भाई, किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है मुझे, ये जो आई सेक्शन है उसका, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ आई सेक्शन, लेकिन आई सेक्शन कैसा है, अनसिमेट्रिकल आई सेक्शन, ठीक है, अनसिमेट्रिकल आई सेक्शन अबाउट सेंट्रोइडल एक्सिस, मतलब मुझे क्या निकालना पड़ेगा, अबाउट एक्स एक्सिस निकालना पड़ेगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, दूसरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका, ये सेम आई सेक्शन का अबाउट वाई एक्सिस। याद रखो अगर क्वेश्चन में हमें पूछता है कि फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंट्रोइडल एक्सिस, तो बाय डिफॉल्ट मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस निकालना पड़ेगा एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई एक्सिस निकालना पड़ेगा। और यहां पे एक और चीज पूछा है कि फाइंड लीस्ट रेडियस ऑफ गायरेशन, तो मतलब क्या पूछा रहेगा यहां पे, के लीस्ट मतलब मिनिमम, लीस्ट मतलब मिनिमम, ठीक है, राइट, ओके। नाउ लेट अस मूव अहेड, मैंने पहले से ही कहा था, फर्स्ट लेक्चर से मैं कह रहा हूं ये कि ये काफी सिंपल चैप्टर है लेकिन काफी कंफ्यूजिंग भी है, तो मैं जो स्टेप्स दे रहा हूं प्लीज इस वीडियोस को दो बार तीन बार चार बार, जब तक तुम्हें कॉन्फिडेंस ना आ जाए, जब तक तुम ये प्रोसीजर ना समझ लो आगे नहीं बढ़ना, ठीक है। सो नाउ ये जो फिगर है क्या ये स्टैंडर्ड फिगर है, क्या आई सेक्शन स्टैंडर्ड फिगर है, स्टैंडर्ड फिगर हमारा क्या था, पांच था ना, क्या था वो, एक रेक्टेंगल या फिर स्क्वायर, दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल या फिर ट्रायंगल, तीसरा क्या था, तीसरा क्या था, सर्कल, फिर सेमी सर्कल, एंड फिफ्थ क्या था, क्वार्टर सर्कल। क्या ये पांचों में से आता है आई सेक्शन, नहीं ना, तो ये क्या बन गया हमारा, नॉन स्टैंडर्ड फिगर। तो मेरा फर्स्ट स्टेप, जब भी नॉन स्टैंडर्ड फिगर आएगा उसको स्टैंडर्ड फिगर में कन्वर्ट करो। कैसे कन्वर्ट करेंगे, मैं यहां पे एक लाइन ड्रॉ करूंगा, तो ये क्या बन गया पार्ट वन, पार्ट वन कौन है, रेक्टेंगल, रेक्टेंगल हमारे लिए क्या है, स्टैंडर्ड फिगर। फिर ये क्या, यहां से फेकर लाइन ड्रॉ कर दूंगा मैं, ये छोटा सा क्या बन गया, रेक्टेंगल, पार्ट टू, पार्ट टू क्या बन गया, रेक्टेंगल, वो कौन है हमारे लिए, स्टैंडर्ड फिगर। सिमिलरली ये पार्ट थ्री, पार्ट थ्री कौन है, रेक्टेंगल, राइट, और रेक्टेंगल हमारे लिए क्या है, स्टैंडर्ड फिगर, ठीक है। तो हमने क्या किया, ये नॉन स्टैंडर्ड आई सेक्शन को हमने स्टैंडर्ड फिगर दैट इज रेक्टेंगल, तीन रेक्टेंगल में कन्वर्ट कर दिया, वन पार्ट वन, पार्ट टू, पार्ट थ्री। कन्वर्ट करने के बाद इमीडिएटली हम क्या करेंगे, हर एक स्टैंडर्ड फिगर का सेंट्रॉइड मार्क कर लेंगे और उसका डायमेंशन चेक कर लेंगे, ठीक है। पार्ट वन रेक्टेंगल, इसका डायमेंशन, सॉरी इसका सेंट्रॉइड कहां पे आएगा, एग्जैक्टली सेंटर पे, और इस सेंट्रॉइड को C1 मार्क करूंगा, C1 क्यों, क्योंकि पार्ट वन का सेंट्रॉइड है, और इस सेंट्रॉइड को थोड़ा सा डार्क गोल मोटा बनाओ ताकि हमको ठीक से नजर आए। सिमिलरली पार्ट टू का सेंट्रॉइड सेंटर में आएगा, C2। सिमिलरली पार्ट थ्री का सेंट्रॉइड C3, ठीक है, राइट, ओके। नाउ लेट अस मूव अहेड, फर्स्ट हम क्या निकालेंगे, ये क्या है, ये आई सेक्शन मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका, ये आई सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका, आई सेक्शन का, अबाउट विच एक्सिस, एक्स एक्सिस, अबाउट विच एक्सिस, एक्स एक्सिस, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका निकालना है मुझे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका निकालना है, ये आई सेक्शन, राइट ना, ये कंप्लीट आई सेक्शन का मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है अबाउट एक्स एक्सिस, राइट। अब मेरा मेन प्रॉब्लम ये है कि फिगर में मुझे कहीं भी एक्स एक्सिस नजर नहीं आ रहा है, राइट, फिगर में मुझे किधर भी एक्स एक्सिस नजर नहीं आ रहा है, तो मेरा फर्स्ट ड्यूटी क्या रहेगा कि ये जो आई सेक्शन है ना उसका पहले एक्स एक्सिस हम लोकेट कर देंगे, प्लॉट कर देंगे, ड्रॉ कर देंगे, ठीक है, ये मेरा फर्स्ट स्टेप रहेगा। क्यों, क्योंकि भाई इस फिगर में एक्स एक्सिस नजर ही नहीं आ रहा है, और क्वेश्चन में मुझे क्या बोला है कि फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस, सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, एक्स एक्सिस को यहां पे
लोकेट करना पड़ेगा, ड्रॉ करना पड़ेगा, प्लॉट करना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी हमने देखा था लास्ट इसमें कि टू लोकेट एक्स एक्सिस हमारे पास दो मेथड्स होता है, एक है सिमेट्रिकल मेथड और दूसरा क्या है वाई बार मेथड, दूसरा क्या है वाई बार मेथड। तो हम हमेशा पहले क्या करेंगे, चेक करेंगे कि क्या ये गिवन फिगर, मुझे क्या प्लॉट करना है, किसको कौन से एक्सिस को प्लॉट करना है, मुझे एक्स एक्सिस को प्लॉट करना है। तो मेरा क्वेश्चन क्या रहेगा कि क्या ये आई सेक्शन एक्स एक्सिस से सिमेट्रिकल है क्या। सबसे पहले मैं ये मेथड चेक करूंगा सिमेट्रिकल है क्या, राइट। तो हमने जस्ट देखा अभी कि अनसिमेट्रिकल आई सेक्शन एक्स एक्सिस से सिमेट्रिकल नहीं होता, राइट। फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं कि ये अनसिमेट्रिकल आई सेक्शन एक्स एक्सिस से सिमेट्रिकल नहीं होता। इसका मतलब मैं ये सिमेट्रिकल मेथड यूज नहीं कर सकता एक्स एक्सिस को लोकेट करने के लिए। क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि ये आई सेक्शन जो है वो एक्स एक्सिस से सिमेट्रिकल नहीं है। तो बचा दूसरा कौन सा बचा वाई बार मेथड। अब मुझे वाई बार मेथड यूज करना पड़ेगा किसके लिए, एक्स एक्सिस को लोकेट करने के लिए, ठीक है। तो नाउ लेट अस स्टार्ट विथ वाई बार। तो मुझे समझ में आया सिमेट्रिकल मेथड यूज नहीं कर सकता क्योंकि ये आई सेक्शन जो है वो एक्स एक्सिस से सिमेट्रिकल नहीं है। तो बचा कौन वाई बार, ठीक है। तो अभी तुम्हें मालूम पड़ गया कि अभी हमारा फुल फोकस किसमें चला गया, ये पार्ट अभी साइड में रह गया, हम इस पार्ट को कंप्लीट नहीं कर सकते जब तक मुझे एक्स एक्सिस में प्लॉट ना कर दो, मैं आगे नहीं बढ़ सकता, इसलिए मैंने यहां पर क्या किया स्टॉप कर दिया, ठीक है। अब मुझे फर्स्ट चीज क्या करना है, या फिर मैं क्या करूंगा y एक्स एक्सिस लोकेट करने से पहले मैं ये जो इक्वेशन है ना मैं इसको पूरा लिख देता हूं, ठीक है। सो लेट से ये क्या होगा कि आई सेक्शन मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ आई सेक्शन अबाउट एक्स एक्सिस, ये कंप्लीट आई सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस क्या होना चाहिए फॉर्मूला, कि क्योंकि हमारे पास डायरेक्ट कोई फॉर्मूला नहीं है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ आई सेक्शन फाइंड करने का। तो हम लोग क्या करेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रेक्टेंगल पार्ट वन निकालेंगे, प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रेक्टेंगल पार्ट टू का निकालेंगे, प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रेक्टेंगल पार्ट थ्री का निकालेंगे। तो हम इसको ऐसे लिखते हैं कि पार्ट वन मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ पार्ट टू प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ पार्ट थ्री, सब के सब अबाउट विच एक्सिस एक्स एक्सिस। लेट्स से दिस इज माय इक्वेशन नंबर वन। अब मेरा काम क्या रहेगा, ये जो दिख रहा है लाल कलर का लिखा हुआ एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस तो यहां पे है ही नहीं, तो मुझे पहले क्या करना पड़ेगा एक्स एक्सिस को लोकेट करना पड़ेगा। अब मेरा टास्क क्या हो गया कि टू लोकेट एक्स एक्सिस, प्लीज ध्यान देना ये सब इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूजिंग है, ठीक है। वीडियोस को दो बार तीन बार चार बार सुनना जब तक तुम्हें कॉन्फिडेंस ना आए। सुनो हम क्या करेंगे टू लोकेट एक्स एक्सिस, मैं सिमेट्रिकल मेथड यूज नहीं कर सकता, बचा कौन सा वाई बार मेथड। सो देयरफॉर वाई बार इज इक्वल टू, हमने मैकेनिक्स के इसमें देखा होगा सेंट्रोइड फाइंड करते वक्त वही फॉर्मूला यूज करेंगे। क्या रहेगा यहां पे, ध्यान दो यहां पे कितने पार्ट है, पार्ट वन पार्ट टू पार्ट थ्री। तो हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा कि पार्ट वन जो है उसका पार्ट वन जो रहेगा उसका वाई वन बार सॉरी वाई एक मिनट सॉरी 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 क्या रहेगा ये वाई वन बार इंटू ए वन प्लस प्लस वाई टू बार इंटू ए टू प्लस वाई थ्री बार इंटू ए थ्री डिवाइड बाय ए वन प्लस ए टू प्लस ए थ्री, ये फॉर्मूला है, ठीक है। अगर मैकेनिक्स में तुमने पढ़ा है ये ओके, तो मैकेनिक्स में राइट ये फॉर्मूला था वाई वन बार इंटू ए वन, ए वन इज व्हाट पार्ट वन का एरिया, ठीक है। उसके बाद फिर पार्ट टू का क्या है वाई टू बार इंटू ए टू, ए टू क्या रहेगा पार्ट टू का एरिया, फिर वाई थ्री बार इंटू ए थ्री, ए थ्री क्या रहेगा पार्ट थ्री का एरिया रहेगा।
डिवाइड बाय ए वन प्लस ए टू प्लस ए थ्री, ठीक है राइट। नाउ अभी वैल्यूज पुट अप करते हैं उसका, इज इक्वल टू व्हाट इज वाई वन बार। फुल मैकेनिक्स, मैकेनिक्स में जो सेंट्रोइड का चैप्टर था वो ठीक से तुम्हें आना चाहिए, तभी जाके ये क्लियर होगा। व्हाट इज वाई वन बार, वाई वन बार इज द डिस्टेंस ऑफ, या फिर मैं ऐसे बोलूंगा व्हाट इज वाई वन बार, वाई वन बार इज द वर्टिकल डिस्टेंस। व्हाट इज वाई वन बार, इट इज द वर्टिकल डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम बॉटम ऑफ द फिगर टिल सेंट्रोइड सी वन, ठीक है। आई रिपीट कि ये जो y1 बार है वो क्या है, इट इज द वर्टिकल डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम बॉटम ऑफ द फिगर टिल सेंट्रोइड c1। तो अभी यहां से c1 से लेके बॉटम तक का डिस्टेंस क्या बन जाएगा मेरे लिए, y1 बार, क्या बन जाएगा y1 बार। सो देयरफॉर अब बताओ कितना रहेगा ये, क्योंकि मुझे मालूम है ये डिस्टेंस कितना है। अभी भूल जाओ कि पार्ट टू है पार्ट थ्री है, भूल जाओ, सिर्फ पार्ट वन पे फोकस करना अभी, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस है ना बॉटम से लेके सी वन तक डिस्टेंस, क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं कि ये कंप्लीट डिस्टेंस, कंप्लीट हाइट कितना रहेगा, डिस्टेंस कितना रहेगा, ये कंप्लीट डिस्टेंस कितना रहेगा, ये 200 प्लस 24, तो ये कितना हो जाएगा 224 mm, ठीक है 224 mm। तो ये C1 से लेके बॉटम तक का डिस्टेंस जो रहेगा वर्टिकल डिस्टेंस वो क्या है y1 बार, क्या है वो y1 बार। क्या मैं ये बोल सकता हूं कि ये जो y1 बार है दैट इज इक्वल टू टोटल हाइट 224 माइनस ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितना रहेगा, ये किसको पैरेलल है 12 को, तो ये डिस्टेंस कितना रहेगा 12 बाई 2 मतलब कितना 6 है राइट। तो मैं ये बोल सकता हूं कि दिस y1 बार मतलब c1 से लेके बॉटम तक का डिस्टेंस इज इक्वल टू ये पूरा डिस्टेंस 224 माइनस ये 6, माइनस ये 6, ठीक है। तो मैं तुम्हारे अंडरस्टैंडिंग के लिए यहां पे लिख देता हूं y1 बार क्या है, ये 224 माइनस 6 इंटू एरिया, किसका एरिया, ये फर्स्ट रेक्टेंगल का एरिया, पार्ट वन का एरिया कितना रहेगा उसका एरिया 160 इंटू 12, ठीक है राइट। जरूरी नहीं कि तुम्हें ऐसा लिखना है, तुम डायरेक्टली कैल्सियम में लिख सकते हो कि 160 इंटू 12 कितना होता है, वैल्यू फाइंड करो और एरिया लिख दो। ये फर्स्ट सम हमारा, इसलिए मैं उसको ऐसा लिख रहा हूं, मे बी नेक्स्ट सम से हम लोग ऐसा नहीं लिखेंगे, ठीक है। प्लस y2 बार, y2 बार का डेफिनेशन कैसा होगा, सिमिलर टू y1 बार, y1 बार y2 बार, ठीक है। नाउ लेट अस स्टार्ट विद y2 बार। y2 बार इज द वर्टिकल डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम बॉटम ऑफ द फिगर टिल सेंट्रोइड c2, y2 है इसलिए बॉटम से c2, y1 बार क्या था 1 था ना, इसलिए बॉटम से लेके c1, ओके। तो अभी क्या हो जाएगा बॉटम से लेके c2, तो ये डिस्टेंस क्या बन जाएगा मेरे लिए, अभी ये डिस्टेंस क्या बन जाएगा मेरे लिए y2 बार। अब ये y2 बार कैसे निकालेंगे, ये y2 बार कैसे निकालेंगे, क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं दिस y2 बार इज इक्वल टू ये 12 प्लस ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितना रहेगा, ये डिस्टेंस किसको पैरेलल है 200 को पैरेलल है, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। प्लीज सेंट्रोइड चैप्टर जो था मैकेनिक्स का वो हमारा स्ट्रांग होना चाहिए, ठीक है। अभी हम लोग किसके ऊपर फोकस कर रहे हैं, सी वाई टू बार के ऊपर फोकस कर रहे हैं, मतलब ये डिस्टेंस, ये वर्टिकल डिस्टेंस के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो दिस वर्टिकल डिस्टेंस इज इक्वल टू ये डिस्टेंस कितना है 12 प्लस ये मैं बोल रहा हूं दिस इज ये जो है दैट इज 100। 100 कैसे मिला मुझे ये, क्योंकि ये जो डिस्टेंस है दैट इज पैरेलल टू 200 और मुझे मालूम है कि y रेक्टेंगल अगर है उसका सेंट्रोइड का डिस्टेंस कैसा रहेगा समथिंग बाय 2 और समथिंग क्या है ये 200 डिवाइड बाय 2 200 डिवाइड बाय 2 तो कितना हो जाएगा 100। तो ये y2 बार कितना हो गया टोटल
100 प्लस 12 तो कितना हो गया 112। तो मैं अब यहां पे सीधा लिख रहा हूं 112, क्या ये y2 बार 112, 100 प्लस 12 इंटू एरिया, एरिया ऑफ दिस पार्ट 2 कितना रहेगा, ये हाइट कितना है 200 इंटू 10, तो कितना हो जाएगा एरिया 2000 प्लस y3 बार का डेफिनेशन कैसा रहेगा, इट इज दी वर्टिकल डिस्टेंस मेजर फ्रॉम लोअर ऑफ लोअर पार्ट ऑफ द फिगर टिल सेंट्रोइड C3, टिल सेंट्रोइड C3, ठीक है। y1 बार बॉटम से लेके C1 तक का डिस्टेंस, y2 बार बॉटम से लेके C2 तक का डिस्टेंस, y3 बार बॉटम से लेके C3 तक का डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितना रहेगा, ये डिस्टेंस हमको मालूम है सेंट्रोइड का डिस्टेंस ये कितना होता है समथिंग बाय 2, क्योंकि ये जो पार्ट है पार्ट 3 का सेंट्रोइड है, ये डिस्टेंस हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, हमको मालूम है कि दिस इज रेक्टेंगल, तो उसका जो हाइट है वो क्या रहेगा समथिंग बाय टू क्या रहेगा, चेक करो ये डिस्टेंस किसको पैरेलल है 12 को, तो ये 12 बाय 2 मतलब 6, 12 बाय 2 मतलब ये कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है। मैं इसको रब कर देता हूं और इसको भी रब कर देता हूं, ओके। तो ये डिस्टेंस y3 बार इज बॉटम से लेके c3 तक का डिस्टेंस, तो कितना हो जाएगा ये राइट, देखो यहां पे ना सेंट्रोइड का कंसेप्ट है, वो सेंट्रोइड का सम्स तुम्हें एक बार ठीक से देखना पड़ेगा, ओके। तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा 6, तो मैं यहां पे लिखता हूं, यहां पे जगह नहीं इसलिए नीचे लिख रहा हूं कि y3 बार इज 6 इंटू एरिया, एरिया क्या रहेगा इसका पार्ट 3 का 240 इंटू 12, तो मैं यहां पे लिखता हूं 240 इंटू 12 डिवाइड बाय a1 a2 a3 ओके, डिवाइड बाय a1 प्लस a2 प्लस a3, तो मैं उसको ऐसे ना लिख के a1 एरिया क्या है ये ना इसका, दिस इज a1 दिस इज a2 दिस इज a3, तो मैं इसको कैलकुलेट कर लेता हूं ताकि मुझे आगे जाके प्रॉब्लम ना हो, दिस इज a1 ओके, ठीक से बताता हूं मैं, दिस पार्ट इज a1 दिस पार्ट इज a2 एंड दिस पार्ट इज a3, ठीक है। तो a1 का वैल्यू कितना है 160 इंटू 12, कितना आ गया ये 1920 प्लस a2 कितना है 2000 प्लस a3 कितना है 240 इंटू 12, दैट इज 2880। ओके, अभी इसको ध्यान से हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है ध्यान से। अगर मैं पहले इसको कैलकुलेट कर लेता हूं ये कितना आ रहा है 192, या फिर बेस्ट है आई विल डू इट, तुम भी तुम्हारा कैलकुलेशन करो, हो सकता है कि मैं गलत कर बैठूं, ठीक है। अगर गलती होता है मेरे से तो इस वीडियो के नीचे जो कमेंट सेक्शन रहेगा वहां पे हाईलाइट करना, ठीक है। तो तुम भी करो ये 224 माइनस 6 इंटू 224 माइनस 6 इंटू 160 इंटू 12, ठीक है, प्लस 112 इंटू 2000 प्लस ये 6 इंटू 240 इंटू 12 डिवाइड बाय, ये पूरा वैल्यू से डिवाइड करना पड़ेगा, क्या है 120 2000, ओके। तो मुझे आंसर मिल रहा है 97.03 mm वाई बार, ओके। कितना मिल रहा है मुझे 97.03 mm। इतना सारा कैलकुलेशन हमारा क्यों बढ़ गया, क्योंकि ये जो आई सेक्शन है अनसिमेट्रिकल आई सेक्शन वो एक एक्सिस से सिमेट्रिकल नहीं है, इसलिए हमारा इतना कैलकुलेशन बढ़ गया, ठीक है। सॉरी, नाउ
नाउ जितना इंपॉर्टेंट ये वाई बार का वैल्यू है, जितना इंपॉर्टेंट ये वाई बार का वैल्यू है उतना ही इंपॉर्टेंट ये एक्स एक्सिस को लोकेट करना है। प्लीज ध्यान दो, ठीक है। मैं क्या कह रहा हूं कि जितना इंपॉर्टेंट ये वाई बार का जो वैल्यू आया वो जितना इंपॉर्टेंट है, मेरे ख्याल से उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये एक्स एक्सिस को लोकेट करना होगा, ठीक है। सो नाउ लेट अस इमेजिन कि ये जो एक्स एक्सिस है ना, वो मैं यहां पे दिखाता हूं, लेट्स से ओके, लेट्स से ये हमारा एक्स एक्सिस है, ठीक है। आई जस्ट शो इट, हम अज्यूम क्या करेंगे कि एक्स एक्सिस ना एक्सट्रीम बॉटम में, ठीक है। एक्स एक्सिस क्या है, एक्सट्रीम बॉटम में, और हमें ये वाई बार क्या बोल रहा है कि भाई कि तुम ये जो एक्स एक्सिस है ना उसको ऊपर वर्टिकल डायरेक्शन में ऊपर उठाओ बाय 97.03 mm। समझ में आ रहा है इसका मतलब क्या है कि हमारा एक्स एक्सिस को हम क्या मान के चलेंगे कि वो एक्सट्रीम बॉटम में है, एक्सट्रीम बॉटम में है, और ये वाई बार क्या बोल रहा है हमें कि ये जो तुम्हारा एक्स एक्सिस जो एक्सट्रीम बॉटम में है उसको वर्टिकल डायरेक्शन में उठाओ ऊपर बाय व्हाट वैल्यू, बाय 97.03 mm, ठीक है। तो अभी जब मुझे उसको प्लेस करना है तो मैं किधर भी प्लेस नहीं कर सकता, उसको किधर भी प्लेस नहीं कर सकता, ठीक है। तो मुझे फर्स्ट चेक करना पड़ेगा, क्या चेक करना पड़ेगा कि जब मैं इसको बॉटम से ऊपर की तरफ लेके जा रहा हूं तो फर्स्ट सेंट्रोइड कौन एनकाउंटर करेगा उसके साथ, फर्स्ट सेंट्रोइड C3 उसके पहले आएगा, राइट। तो मेरा सवाल क्या रहेगा, क्या ये एक्स एक्सिस जो एक्सट्रीम बॉटम में है क्या वो C3 को क्रॉस करेगा, सेंट्रोइड C3 को क्रॉस करेगा। कैसे मालूम पड़ेगा मुझे क्रॉस करेगा कि नहीं करेगा, हम चेक करेंगे कि ये जो डिस्टेंस है ये कितना है 6, और ये वाई बार डिस्टेंस कितना है 97.03, तो ऑब्वियसली 6 को ये क्रॉस करेगा। 97 बहुत बड़ा वैल्यू है, राइट, 6 मतलब ये डिस्टेंस, 97 मतलब ऑब्वियसली ये 6 को वो क्रॉस करेगा, ठीक है। तो एक बात कंफर्म हो गया कि जब मैं एक्स एक्सिस को ऊपर शिफ्ट करूंगा सबसे पहले वो किसको क्रॉस करेगा, C3 को क्रॉस करेगा, ठीक है, C3 को क्रॉस करेगा। उसके बाद ऊपर जा रहा है धीरे धीरे, फिर कौन मिल रहा है उसको, C2 मिल रहा है उसको, कौन मिल रहा है उसको, C2। फिर से हम अपने आप को सवाल पूछेंगे, क्या सवाल पूछेंगे कि क्या ये एक्स एक्सिस C2 सेंट्रोइड C2 को क्रॉस करेगा क्या, फिर सवाल, हाँ या ना कैसे मालूम पड़ेगा मुझे कि एक्स एक्सिस सेंट्रोइड C2 को क्रॉस कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कैसे मालूम पड़ेगा, चेक करेंगे कि ये जो C2 है उसका डिस्टेंस बॉटम से कितना है, हमने निकाला था ना 100 + 12 है, राइट, 112, और ये वाई बार कितना है 97.03, तो ऑब्वियसली ये जो 97.03 है वो ये डिस्टेंस कितना ये 112 से कम है, राइट। फिर से रिपीट कर रहा हूं कि जो वाई बार है दैट इज 97.03 mm वो 112 से कम है कि ज्यादा है, कम है ना, कम मतलब वो C2 के नीचे रहेगा, C2 को वो क्रॉस नहीं कर पाएगा, राइट। तो हमने क्या देखा यहां पे कि इनिशियली एक्स एक्सिस जो है वो एक्सट्रीम बॉटम में रहेगा, ये वाई बार क्या बोल रहा है कि ये इस एक्सिस को, ये जो एक्स एक्सिस है उसको वर्टिकल डायरेक्शन में ऊपर उठाओ बाय व्हाट वैल्यू 97.03 mm। अब हम लोग उसको उठा के किधर भी रख ले सकते हैं, उसको यहां से उठा के यहां पर रख दिया या फिर यहां पर रख दिया, नहीं, अगर ऐसा किया तो गलत हो जाएगा पूरा। तो उसके लिए हमें थोड़ा सा ध्यान से एनालाइज करना पड़ेगा, कैसा रहेगा वो एनालिसिस कि जब मैं ये एक्स एक्सिस को ऊपर उठा रहा हूं तब क्या वो C3 को क्रॉस करेगा। तो पहले चेक कर लेने का C3 का वर्टिकल डिस्टेंस कितना है, मालूम पड़ा 6, और ये वैल्यू कितना वाई बार 97.03, तो ऑब्वियसली करेगा। तो एक चीज क्लियर हो गया कि एक्स एक्सिस C3 को क्रॉस करेगा, अभी ऊपर जा रहा है ऊपर जा रहा है ऊपर जा रहा है, कौन मिल रहा है उसको, C2 मिल रहा है, C2 मिल रहा है। अब नेक्स्ट सवाल क्या रहेगा कि क्या वो C2 को क्रॉस करेगा, इमीडिएटली क्या चेक करो, ये C2 का वर्टिकल डिस्टेंस फ्रॉम बॉटम कितना है, वो 112, और हमारा वाई बार कितना है 97.03, ऑब्वियसली 97.03 जो है वैल्यू वो 112 से कम है, इसका मतलब क्या हुआ कि वो C2 को क्रॉस नहीं करेगा। सो नाउ वी कैन कॉन्फिडेंटली प्लॉट दी
एक्स एक्सिस, कहां प्लॉट करेंगे? C3 के ऊपर और C2 के नीचे, C3 के ऊपर और C2 के नीचे, किधर ही हम इसको प्लॉट कर सकते हैं। तो मैं अब इसको प्लॉट कर रहा हूं C3 के ऊपर और C2 के नीचे, C2 के नीचे, C3 के ऊपर, ओके राइट। प्लॉट करने के बाद इमीडिएटली ये डिस्टेंस लिख दो कितना आ रहा है, ये डिस्टेंस कितना है 97 डिस्टेंस कितना दिया है यहाँ पे 97.03, मतलब यहाँ पे था एक्स एक्सिस एक्सट्रीम बॉटम है, तुमने सो कितने डिस्टेंस से ऊपर उठाया 97.03 mm। बाकी बचा डिस्टेंस वो भी लिख दो, आगे जाके काम आएगा। कैसे निकालेंगे बाकी बचा डिस्टेंस? टोटल डिस्टेंस कितना है 224 टोटल हाइट, ये अगर 97 है तो बचा कितना 224 माइनस 97.03, तो ये जो डिस्टेंस बचा कितना हुआ 126.97 mm। ये हुआ मेरा एक्स एक्सिस का लोकेशन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 जब हमने किया था, इसके पिछले वाला ये तो 8 है, 7 जब किया था तब हम लोगों ने एक्स एक्सिस को प्लॉट करने के लिए ये सब नहीं किए थे हम लोगों ने। क्यों नहीं किए थे? क्योंकि क्वेश्चन नंबर 7 में जो हमारा सम था ना वो क्या था, सिमेट्रिकल आई सेक्शन। इसका मतलब क्या है कि जो आई सेक्शन था वो एक्स एक्सिस से सिमेट्रिकल था, तो हम लोगों ने बिना किसी कैलकुलेशन का सीधा प्लॉट कर दिया एक्स एक्सिस। लेकिन ये केस में कैसा है कि ये जो आई सेक्शन है वो अनसिमेट्रिकल है, मतलब एक्स एक्सिस से सिमेट्रिकल नहीं है लेकिन वाई से है, वो अलग बात है, हम उसको बाद में देखेंगे उसको, ठीक है। तो एक्स एक्सिस से सिमेट्रिकल नहीं है, अगर एक्स एक्सिस से सिमेट्रिकल नहीं है तो हम लोग सिमेट्रिकल मेथड यूज नहीं कर सकते, तो मुझे कौन सा मेथड यूज करना पड़ेगा, वाई बार मेथड। और ये है वाई बार मेथड, ये है वाई बार मेथड। क्या लिखा हमने, वाई बार इज इक्वल टू y1 बार इंटू a1 प्लस y2 बार इंटू a2 प्लस y3 बार इंटू a3 डिवाइड बाय a1 प्लस a2 प्लस a3, ठीक है। तीन पार्ट से यहां पे, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 यहां पे, इसलिए यहां पे देखो पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 आया, राइट, समझना है, ठीक है। और हम लोग प्लस क्यों किया उसको, क्योंकि हम लोग को मालूम है कि ये तीन रेक्टेंगल को जब हम लोग प्लस करेंगे तभी जाके मुझे क्या मिलेगा, आई सेक्शन मिलेगा, इसलिए हम लोगों ने यहां पे इसको प्लस 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 किया है, ठीक है। सो वाई बार हमें मिल गया, हमने यहां पे बता दिया, सबसे बड़ा काम हमारा हो गया, मेन काम। और यहां पे ही तुम लोग कंफ्यूज हो गए, प्लीज स्टेप्स फॉलो करो, मैं जो स्टेप्स दे रहा हूं उसे फॉलो करो, टेक्स्ट बुक का अप्रोच रहेगा उसको फॉलो मत करो, कुछ समझ में नहीं आएगा टेक्स्ट बुक के अप्रोच से, ठीक है। टेक्स्ट बुक का क्वेश्चंस लो और मेरा जो अप्रोच है उसको प्लीज स्ट्रिक्टली फॉलो करो, ओके। तो मेरा सबसे बड़ा टास्क कंप्लीट, दैट इज टू प्लॉट एक्स एक्सिस। क्वेश्चन में क्या पूछा है, फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका, आई सेक्शन का, अबाउट एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पहले मुझे दिया नहीं था क्वेश्चन में, हम लोगों ने बाय वाई मेथड यूज करके एक्स एक्सिस बनाया, अब हम आगे बढ़ सकते हैं, समझ में आ रहा है। जब तक हम एक्स एक्सिस को प्लॉट नहीं करें तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते थे, अभी हमने एक्स एक्सिस को प्लॉट किया इसलिए हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। सो नाउ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ आई सेक्शन अबाउट एक्स एक्सिस इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ पार्ट 1 अबाउट एक्स एक्सिस प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस पार्ट 2 अबाउट एक्स एक्सिस प्लस द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस पार्ट 3 अबाउट एक्स एक्सिस। जब मैं तीनों को ऐड कर दूंगा तो मुझे ऑटोमेटिक क्या मिल जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस एंटायर आई सेक्शन अबाउट एक्स एक्सिस, क्लियर। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं ये निकालता हूं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ पार्ट 1, और ऑब्वियसली पार्ट 1 क्या है, रेक्टेंगल, तो मैं यहां पे नहीं लिखता हूं रेक्टेंगल। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ओके राइट। मेरा सवाल क्या रहेगा, क्या ये एक्स एक्सिस
पार्ट वन के सेंट्रोइड से पास हो रहा है क्या? क्या ये एक्स एक्सिस पार्ट वन के सेंट्रोइड से पास हो रहा है क्या? आंसर क्या है? नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है मतलब गो फॉर पैरेलल एक्सिस थ्योरम। क्या है वो थ्योरम? आई प्लस ए डी स्क्वेयर, आई प्लस ए डी स्क्वेयर। ये जो एक्स एक्सिस है वो कैसा है? हॉरिजॉन्टल है, राइट? तो इसलिए यहां पे क्या आएगा? एक्स एक्सिस, एक्स एक्स, क्योंकि एक्स कैसा है? हॉरिजॉन्टल, इसलिए यहां पे क्या आएगा? एक्स। और हमें मालूम है कि यहां पे हम हमेशा क्या यूज करते हैं? डायरेक्ट फॉर्मूला। उसके पहले ये बता दूं कि ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका निकालेंगे हम लोग? रेक्टेंगल। पार्ट वन कौन है हमारा? पार्ट वन, पार्ट वन कौन है? रेक्टेंगल। पार्ट वन कौन है? रेक्टेंगल। तो मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रेक्टेंगल अबाउट एक्स एक्सिस प्लस एरिया ऑफ पार्ट वन इंटू डी स्क्वेयर, इंटू डी स्क्वेयर, ठीक है? ओके, इज इक्वल टू, यहां पे हमेशा क्या आता है? डायरेक्ट फॉर्मूला। डायरेक्ट फॉर्मूला, और रेक्टेंगल का डायरेक्ट फॉर्मूला क्या है? समथिंग इंटू समथिंग क्यूब बाय 12, ओके, राइट? एक्स एक्सिस जस्ट अज्यूम करो, ओके, क्या है ये? एक्स एक्सिस, ठीक है? ये है पार्ट वन और ये है तुम्हारा एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस कौन सा डायमेंशन को पैरेलल है? पार्ट वन का 160 को पैरेलल है कि 12 को पैरेलल है? एक्स एक्सिस किसको पैरेलल है? 160 को। तो यहां पे क्या आएगा फॉर्मूला? 160 इंटू 12 का क्यूब बाय 12। किस पे फोकस कर रहे हैं हम लोग? सिर्फ पार्ट वन पे फोकस कर रहे हैं। भूल जाओ कि पार्ट टू पार्ट थ्री भी है, भूल जाओ पार्ट टू है, भूल जाओ पार्ट थ्री है। सिर्फ क्या है अभी हमारे पास? सिर्फ पार्ट वन है। क्या है? सिर्फ पार्ट वन है। तो ये हो गया मेरा डायरेक्ट फॉर्मूला प्लस एरिया ऑफ दिस प्लस एरिया ऑफ पार्ट वन। क्या है एरिया? 160 इंटू 12, 1920 इंटू डी स्क्वेयर। डी क्या है? डी, डी इज द डिस्टेंस बिटवीन दिस एक्स एक्सिस एंड सी वन। क्या है डी वन? डी क्या है? सॉरी, डी इज द डिस्टेंस बिटवीन एक्स एक्सिस एंड सी वन। कैसे निकालेंगे डिस्टेंस वो? ठीक है, ध्यान दो, कैसे निकालेंगे डिस्टेंस? इसके लिए हमें ये जो डायमेंशन लिखा ना वो काम में आएगा। क्या मैं ये बोल सकता हूं कि डी जो है ये डिस्टेंस है, डी जो रहेगा वो ये डिस्टेंस रहेगा एक्स एक्सिस से लेके सी वन तक का डिस्टेंस। क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं कि दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू 126.97 माइनस ये छोटा सा डिस्टेंस। ये टोटल डिस्टेंस कितना है एक्स एक्सिस से टॉप तक का डिस्टेंस कितना है? 126.97। ये टोटल हाइट माइनस ये डिस्टेंस मुझे पहले से मालूम है सेंट्रोइड का, ये कितना होगा? समथिंग बाय 2। ये किसको पैरेलल है? 12 को। 12 बाय 2 क्या हो जाएगा? 6। तो 126.97 माइनस ये डिस्टेंस कितना है? 6। तो मुझे क्या मिल जाएगा? डी मिल जाएगा। तो मैं यहां पे लिखता हूं हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए, क्या ये 126.97 माइनस 6, माइनस 6, तो मुझे क्या मिल गया? डी मिल गया। डी का डेफिनेशन क्या है? एक्स एक्सिस से लेके सी वन तक का डिस्टेंस, ठीक है? तो अभी इसको क्या करना पड़ेगा? स्क्वायर, ठीक है, राइट? हम क्या कर रहे हैं? मोमेंट ऑफ इनर्शिया पार्ट वन का निकाल रहे हैं, इसलिए सिर्फ पार्ट वन ध्यान में होना चाहिए, पार्ट टू भूल जाओ है, पार्ट थ्री भूल जाओ है, ठीक है? नाउ कैलकुलेटर रेडी और देखते हैं ये वैल्यू क्या आ रहा है। 160 इंटू 12 का क्यूब डिवाइड बाय 12 प्लस 190 इंटू 0.97, ठीक है, कितना मिल रहा है हमें? 28.11 इंटू 10^6 mm^4, क्या मिल गया? ओके, राइट।
तो मुझे ये एक पार्ट मिल गया। सेकेंड पार्ट सॉरी सेकेंड पार्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेकेंड पार्ट किसका पार्ट टू का अबाउट एक्स एक्सिस इज इक्वल टू ठीक है इज इक्वल टू क्या रहेगा सवाल क्या पूछते हैं अपने आपको क्या ये एक्स एक्सिस पार्ट टू के सेंट्रोइड से पास हो रहा है क्या क्या ये एक्स एक्सिस पार्ट टू कौन है ये ना अब पार्ट वन भूल जाओ अभी अब पार्ट टू के बारे में बात करेंगे ये जो पार्ट टू है पार्ट टू का सेंट्रोइड है सी टू है सवाल क्या है कि क्या ये एक्स एक्सिस पार्ट टू के सेंट्रोइड से पास हो रहा है क्या क्या ये एक्स एक्सिस पार्ट टू के सेंट्रोइड से पास हो रहा है क्या नहीं हो रहा है नहीं हो रहा है तो अप्लाई व्हाट पैरेलल एक्सिस थ्योरम और हमको मालूम है क्या रहेगा ये आई ऑफ पार्ट टू अबाउट एक्स एक्सिस क्योंकि यहां पे एक्स है तो इधर भी एक्स आ जाएगा बाय डिफॉल्ट ए डी स्क्वायर ये हमेशा क्या रहता है डायरेक्ट फॉर्मूला ठीक है तो फॉर्मूला रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या है डायरेक्ट फॉर्मूला समथिंग इनटू समथिंग क्यूब बाय 12 दिस इज योर पार्ट टू का एरिया डायमेंशन कितना है 10 और ये हाइट कितना है 200 तो ये जो एक्स एक्सिस है पार्ट टू का कौन सा डायमेंशन को पैरेलल है 10 को राइट तो यहां पे क्या आ जाएगा 10 इंटू कौन सा डायमेंशन को पैरेलल नहीं है 200 तो ये क्या हो जाएगा 200 क्यूब डिवाइड बाय 12 ओके एरिया एरिया ऑफ पार्ट टू कितना रहेगा 10 इंटू 200 मतलब 2000 डी डी मतलब क्या है अभी क्या हो जाएगा डी इनिशियली पहले क्या था पार्ट वन के टाइम एक्स एक्सिस से लेके सी वन तक का डिस्टेंस अब कौन है पार्ट टू है तो अभी इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा एक्स एक्सिस से लेके सी टू तक का डिस्टेंस एक्स एक्सिस से लेके सी टू तक का डिस्टेंस ये डिस्टेंस ओके ये डिस्टेंस कैसे निकालेंगे ये डिस्टेंस कैसे निकालेंगे ये डिस्टेंस क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं कि दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू ये जो डिस्टेंस दिख रहा है पूरा 126.97 माइनस 12 माइनस ये डिस्टेंस कितना रहेगा सेंट्रोइड का 100 समथिंग बाय 2 समथिंग क्या है वो 200 तो ये क्या हो जाएगा 200 बाय 2 मतलब 100 तो मैं क्या ऐसा बोल सकता हूं कि दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू 126.97 माइनस 12 माइनस 100 तो बचा कितना इतना सा बचा और वो क्या हमारा d तो हम यहां पे लिखते हैं मैं फिर से इसको पूरा लिखता हूं 126.97 माइनस ये पूरा डिस्टेंस से क्या माइनस कर रहे हैं ये पूरा डिस्टेंस से क्या माइनस कर रहे हैं 12 और फिर ये डिस्टेंस कितना है 100 100 कैसे मिला मुझे सेंट्रोइड का फॉर्मूला है ठीक है समथिंग बाय 2 तो ये कितना हो जाएगा समथिंग बाय 2 200 बाय 2 दैट इज 100 ठीक है तो मैं ऐसा लिखता हूं माइनस 12 माइनस 100 का स्क्वायर ओके राइट तो ये ऐसा लिखने की जरूरत नहीं है सिर्फ तुम्हें कंफ्यूज ना हो इसलिए मैं लिख रहा हूं नेक्स्ट न्यूमेरिकल से हम उसको लिखेंगे नहीं डायरेक्टली मैं उसका वैल्यू लिख दूंगा नाउ कैलकुलेटर निकालो और देखो कितना आ रहा है वैल्यू 10 इंटू 200 का क्यूब डिवाइड बाय 12 प्लस 2000 इंटू मैं इसको ठीक से लिखता हूं तो कंफ्यूज ना हूं 2000 इंटू 126.07 माइनस 12 माइनस 100 का स्क्वायर ठीक है कितना मिल रहा है मुझे वैल्यू मिल रहा है 7.06 इंटू 10 रेस टू 6 mm रेस टू 4 ओके मैं एक बार फिर से देख लेता हूं तुम लोग भी देख लो एक बार ठीक से राइट
सिक्स नहीं 7.11 इंटू 10^6 mm 4:4 ओके राइट। तो ये मुझे सेकेंड पार्ट मिला। थर्ड पार्ट फिर निकालना पड़ेगा, क्या है ये, यहां पे लिखता हूं मैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ थर्ड पार्ट अबाउट एक्स एक्सिस इज इक्वल टू, क्या ये एक्स एक्सिस पार्ट थ्री के सेंट्रोइड से पास हो रहा है, क्या ये एक्स एक्सिस पार्ट थ्री के सेंट्रोइड से पास हो रहा है, नहीं हो रहा है, गो फॉर पैरेलल एक्सिस थ्योरम, गो फॉर पैरेलल एक्सिस थ्योरम। ठीक है, तो क्या रहेगा एक्सिस थ्योरम, आई ऑफ पार्ट थ्री अबाउट एक्स एक्सिस प्लस ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हमेशा क्या आएगा डायरेक्ट फॉर्मूला, और डायरेक्ट फॉर्मूला रेक्टेंगल के लिए क्या है, समथिंग टू समथिंग क्यूब बाई 12। चेक करो ये एक्स एक्सिस, ये जो पार्ट थ्री है उसका कौन सा डायमेंशन को पैरेलल है, 240 को पैरेलल है, तो क्या हो जाएगा यहां पे 240 इंटू 12 का क्यूब डिवाइड बाय 12 प्लस एरिया ऑफ पार्ट थ्री कितना है 240 इंटू 12 दैट इज 2880 इंटू डी, डी इज व्हाट, डी इज एक्स एक्सिस से लेके सी थ्री तक का डिस्टेंस। पहले क्या था, पहले क्या था जब हम लोग ये कर रहे थे, इसमें डी क्या था एक्स एक्सिस से लेके सी वन का डिस्टेंस, उसके बाद यहां पे डी क्या हो गया एक्स एक्सिस से लेके सी टू तक का डिस्टेंस, अब इसमें क्या हो जाएगा एक्स एक्सिस से लेके सी थ्री का थ्री तक का डिस्टेंस। ओके, तो यहां से ये डिस्टेंस, क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं कि दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू ये जो टोटल डिस्टेंस है 97.03 माइनस ये छोटा सा डिस्टेंस, और ये तो मुझे मालूम रहेगा कितना ये 6 है। ठीक है, 6 है, तो ये यहां पे लिखता हूं मैं फुल 97.03 माइनस 6 का स्क्वायर। ओके, माइनस 6 का स्क्वायर। तो अभी अगर मैं इसको सॉल्व करूं कैलकुलेटर में तो आंसर कितना आना चाहिए, चेक करो 240 इंटू 12 का क्यूब डिवाइड बाय 12 प्लस 288 इंटू 97.03 माइनस 6 का स्क्वायर, स्क्वायर देना भूलना नहीं, तो ये वैल्यू नीचे लिखूंगा तो तुम्हें नजर नहीं आएगा, तो मैं इसको यहां पे लिखता हूं, तो I ऑफ पार्ट 3 अबाउट x एक्सिस कितना मिल रहा है हमें 23.83 इंटू 10^6 mm रेस्ट टू 4 कितना मिल रहा है mm रेस्ट टू 4। अभी ये तीनों वैल्यू जो है, ये वैल्यू और ये वैल्यू, तीनों वैल्यूज को ऐड करो तो तुम्हें क्या मिल जाएगा, पहला चीज मिल जाएगा, पहला क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस ऑफ आई सेक्शन। तीनों को ऐड करने के बाद मुझे क्या आंसर मिल रहा है चेक करें, 28.11 प्लस 1 और यहां पे क्या है 23.89। ठीक है, टोटल पूरा ऐड करने के बाद 59.11, एक बार मैं फिर चेक कर लेता हूं, 28.11 प्लस 7.11 टू 3 59.11। तो मैं इसको रब कर देता हूं, ठीक है, सबको रब कर देता हूं और इसका फाइनल आंसर मुझे क्या मिल रहा है, सबको ऐड करने के बाद मुझे फाइनल आंसर क्या मिल रहा है 59.11 10^6 mm रेस्ट टू 4। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ आई सेक्शन अबाउट एक्स एक्सिस, तो मुझे अभी सिर्फ ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर मिला। ठीक है, राइट, ओके।
मिल गया आंसर। तो मैं इसको यहाँ पे लिख के रखता हूँ कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ आई सेक्शन अबाउट एक्स एक्सिस कितना मिला 59.11 × 10⁶ mm^2 इसको लिख के रखता हूँ। ठीक है, तो अभी हमारा फर्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर मिला। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। क्या है वो क्वेश्चन कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ आई सेक्शन अबाउट y एक्सिस, अबाउट y एक्सिस। ठीक है, अबाउट y एक्सिस, राइट, सेम फॉर्मूला रहेगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ आई सेक्शन अबाउट y एक्सिस। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, तो अभी ये मैं रब कर देता हूं, जो भी हमने लिखा है x के लिए, जो भी लिखा है इसकी जरूरत नहीं है मुझे अभी, इसको मैं रब करता हूं ताकि हमें कंफ्यूजन ना हो। लेकिन ये C1, C2, C3 रहेगा, ओके, रब कर दिया उसको ताकि क्या कंफ्यूजन ना हो हमें, ओके। सेम अप्रोच कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ आई सेक्शन अबाउट बाई एक्सिस क्या है, क्या करेंगे हम लोग, पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ पार्ट वन अबाउट y एक्सिस लेंगे, प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ पार्ट टू अबाउट y एक्सिस लेंगे, प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ पार्ट थ्री अबाउट y एक्सिस लेंगे। लेकिन मजे की बात यहां पे क्या है कि डायग्राम में y एक्सिस है ही नहीं, डायग्राम में y एक्सिस है ही नहीं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, y एक्सिस को पहले लोकेट करना पड़ेगा। तो लोकेट करने के लिए मेरे पास दो लोकेट y एक्सिस, लोकेट करने के लिए दो तरीका है, एक क्या है सिमेट्रिकल मेथड, दूसरा क्या है एक्स बार मेथड, y एक्सिस फाइंड करने के लिए एक्स बार मेथड। ठीक है, सबसे पहले चेक करो कि सिमेट्रिकल मेथड यहां पे काम आएगा कि नहीं आएगा। हम क्या करेंगे, सबसे पहले पूछेंगे अपने आप को कि क्या ये अनसिमेट्रिकल आई सेक्शन y एक्सिस से सिमेट्रिकल है क्या, राइट, आंसर क्या मिलेगा मुझे, यस yes, है। हमेशा क्या रहता है, अनसिमेट्रिकल आई सेक्शन y एक्सिस से सिमेट्रिकल रहेगा। ठीक है, तो मुझे अभी वो जो कैलकुलेशन ये मेथड यूज नहीं करूंगा, मैं अभी एक्स बार मेथड यूज नहीं करूंगा, एक्स बार मेथड यूज नहीं करूंगा। तो जब मैंने देख लिया कि ये अनसिमेट्रिकल आई सेक्शन y एक्सिस से सिमेट्रिकल है, तो मैं कॉन्फिडेंटली बोल सकता हूं कि मेरा जो y एक्सिस है वो हर एक सेंट्रॉइड से पास होगा, हर एक सेंट्रॉइड से पास होगा, राइट। तो यहां से एक्सट्रीम लेफ्ट से ये डिस्टेंस कितना होगा, फिर 240 का हाफ, दैट इज 120 mm। ऐसा लिख के रखता हूं मैं उसको, ठीक है, लिख के रख देते हम लोग, यूज होगा कि नहीं होगा बाद में देखेंगे उसको, ओके। तो ये आई सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल आई सेक्शन जो था वो y एक्सिस से सिमेट्रिकल है, इसलिए हमें वो कैलकुलेशंस करने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्टली कॉन्फिडेंटली बोल सकते हैं कि ये y एक्सिस हर सेंटर से पास होगा और वो हर एक सेंट्रोइड के ऊपर से पास होगा, कॉन्फिडेंटली बोल सकते हैं हम उसको। ठीक है, नाउ लेट अस स्टार्ट। I ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ y एक्सिस इज इक्वल टू, फिर क्या करना पड़ेगा, पहला सवाल क्या रहेगा हमारा, क्या ये y एक्सिस पार्ट वन के सेंट्रोइड से पास होता है, क्या ये y एक्सिस पार्ट वन के सेंट्रोइड से पास हो रहा है, यस हो रहा है, तो गो फॉर डायरेक्ट फॉर्मूला, गो फॉर डायरेक्ट फॉर्मूला। ठीक है, अब ये पार्ट वन है, राइट, ये y एक्सिस है, y एक्सिस किसको पैरेलल है, पार्ट वन का 12 mm को पैरेलल है, तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 12 × दूसरा कौन है डायमेंशन 160 का क्यूब डिवाइड बाय 12 हो गया। सिमिलरली मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ पार्ट टू अबाउट y एक्सिस, मेरा इमीडिएट सवाल क्या रहेगा, क्या ये y एक्सिस पार्ट टू के सेंट्रोइड से पास हो रहा है, क्या ये y एक्सिस पार्ट टू, पार्ट टू ये है, पार्ट टू के सेंट्रोइड से पास हो रहा है, यस हो रहा है, हो रहा है, राइट ना,
नजर आ रहा है हमको, हो रहा है, तो क्या करना पड़ेगा, यूज डायरेक्ट फॉर्मूला। तो ये पार्ट टू है और ये वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस पार्ट टू के कौन से डायमेंशन को पैरेलल है, 200। तो यहां पे 200 इंटू 10 का क्यूब डिवाइड बाय 12। सिमिलरली मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ पार्ट थ्री अबाउट y एक्सिस, मेरा सवाल क्या रहेगा, क्या ये y एक्सिस पार्ट थ्री के सेंट्रोइड से पास हो रहा है क्या, क्या ये y एक्सिस पार्ट थ्री के सेंट्रोइड, पार्ट थ्री का सेंट्रोइड कौन है, C3 से पास हो रहा है, yes, हो रहा है। तो क्या यूज करना पड़ेगा मुझे, डायरेक्ट फॉर्मूला। क्या डायरेक्ट फॉर्मूला है, समथिंग इनटू समथिंग क्यूब बाय 12। ये y एक्सिस पार्ट थ्री के कौन से डायमेंशन को पैरेलल है, 12 को, तो यहाँ पे क्या आएगा 12 इंटू, दूसरा डायमेंशन कौन सा बचा, 240, तो ये 240 का क्यूब डिवाइड बाय 12। ओके राइट, कैलसी निकालो और वैल्यूज देखो, 12 इंटू 160 का क्यूब डिवाइड बाय 12 कितना मिल रहा मुझे, ये 4.09 × 10⁶ mm^4। सिमिलरली टू, ये कितना मिल रहा है हमें, इसको इन टर्म्स ऑफ, नहीं इतना मिल रहा है, 16.66 × 10�³ mm^4। एक बार चेक कर लो उसको, इंटू, ओके राइट, इसका देखो कितना आ रहा है, 12 इंटू 240 का क्यूब डिवाइड बाय 12, 13.8 × 10⁶ mm^4 राइट। अब ये तीनों का वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में डाल दो, इसको 2 बोल देंगे, 1 नहीं 2 बोल देंगे इसको। I of part 1 about y axis, इसका वैल्यू कितना मिला, 4.09 × 10⁶, इसका वैल्यू मुझे कितना मिला, 16.66 × 10�³ mm^4, इसका वैल्यू मुझे कितना मिला, 13.82 × 10⁶ mm^4। तीनों को ऐड करो तो मुझे क्या मिल जाएगा, तीनों को ऐड करने के बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ I सेक्शन मिल जाएगा, अबाउट विच पॉइंट, सॉरी अबाउट विच एक्सिस, एक्सिस एक्सिस इज वाई एक्सिस, तीनों को ऐड करो क्या मिल रहा है, इनसे बताओ, 40.09 × 10⁶ + 16.66 × 10�³ मुझे आंसर कितना मिल रहा है, 17.93 × 10⁶ mm^4। ओके ये आंसर मिल रहा है, तो अभी हमें सेकेंड का भी आंसर मिल गया। ठीक है, ओके एक बार चेक कर लेना, अगर कैलकुलेशन मिस्टेक्स हो रहा है तो प्लीज उसके नीचे जो कमेंट है वहां पे लिख देना। तो हमें पहला क्वेश्चन का आंसर मिल गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ आई सेक्शन अबाउट एक्स एक्सिस कितना है, वो यहां पे लिखा है कि 59.11 × 10⁶ mm^4। उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन का आंसर मुझे अभी जस्ट मिला, कितना मिला, 17.93 × 10⁶ mm^4। थर्ड क्या पूछा है, रेडियस ऑफ गायरेशन, वो भी कितना है, लीस्ट मतलब मिनिमम। लास्ट क्वेश्चन निकाल लेते हैं उसको भी, ओके इसको रब नहीं करते हैं। रेडियस ऑफ गायरेशन का फॉर्मूला क्या है, रेडियस ऑफ गायरेशन का फॉर्मूला क्या रहेगा, के, थर्ड क्वेश्चन, के इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आई बाय एरिया, ओके। लेकिन यहां पे क्या पूछा है मुझे, के मिनिमम, के मिनिमम, तो यहां पे क्या रहेगा, के मिनिमम, के मिनिमम के लिए यहां पे क्या आएगा, आई मिनिमम आ जाएगा। ठीक है, अब दोनों मुझे चेक करो कि आई मिनिमम कौन सा है, आई एक्स, सॉरी आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एक्स, आई सेक्शन अबाउट एक्स एक्सिस मिनिमम है,
या फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ आई सेक्शन अबाउट वाई एक्सिस मिनिमम है, दोनों को कंपेयर करो, क्या मालूम पड़ेगा कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई एक्सिस जो है ना वो मिनिमम है, कम है, दोनों को कंपेयर करेंगे हम लोग तो क्या मालूम पड़ेगा कि ये कम रहेगा। तो 17.93 × 10⁶ इज मिनिमम अगर हम दोनों को कंपेयर करें। तो हमारा ये फॉर्मूला क्या बनेगा, इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आई, मिनिमम कौन है वाई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई डिवाइड बाय एरिया, ठीक है। सो देयरफॉर के मिनिमम, देयरफॉर के मिनिमम इज इक्वल टू, ये इसका फॉर्मूला राइट ना, अंडर रूट ऑफ आई वाई वाई कितना है वो 17.93 × 10⁶ डिवाइड बाय एरिया, एरिया मतलब किसका, टोटल एरिया, आई सेक्शन का टोटल एरिया। तो चेक करो एरिया ऑफ पार्ट वन कितना है 160 × 12, पार्ट टू कितना है 2000, पार्ट थ्री का कितना है 240 × 12, तो एरिया कितना आ रहा है यहां पे 6800। अब इसको सॉल्व करो 17.93 × 10⁶ डिवाइड बाय आंसर रूट ऑफ आंसर, तो मुझे कितना मिल रहा है 51.34 mm। ओके, दिस इज हाउ वी विल फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए गिवन नॉन स्टैंडर्ड फिगर, ठीक है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, आई एम रिपीटिंग दिस वन मोर टाइम दैट दिस चैप्टर इज इजी बट इट इज वेरी कंफ्यूजिंग, बट इट इज वेरी कंफ्यूजिंग। ओके, सो व्हाट आई सजेस्ट यू इज गो थ्रू दिस वीडियो वन ट्वाइस और थ्राइस, ओके, अनलेस एंड अंटिल यू मेक श्योर दैट यू हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग, द प्रोसीजर, द फ्लो, हाउ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। ओके, अनलेस एंड अंटिल यू डोंट अंडरस्टैंड दिस, प्लीज डोंट गो फॉर द नेक्स्ट वीडियो। ओके, सेकेंड थिंग इज कि आफ्टर लिसनिंग दिस दिस वीडियो यू माइट रेफर सम टेक्स्ट बुक, ओके, एंड यू शुड रेफर अ टेक्स्ट बुक, ओके, फॉर वेरियस न्यूमेरिकल, सो दैट यू कैन प्रैक्टिस एटलीस्ट एट होम, दैट इज रिक्वायर्ड। बट वॉट आई सजेस्ट यू इज कि वेन यू आर रेफरिंग एनी टेक्स्ट बुक, ओके, इन दैट केस प्लीज डू नॉट फॉलो टेक्स्ट बुक्स अप्रोच, ओके, स्टिक टू वन अप्रोच, एक ही अप्रोच को तुम पकड़ के चलो, ओके। सो देर आर पॉसिबिलिटीज लाइक कि इफ यू आर यू नो गोइंग थ्रू दिस प्रोसीजर अगेन, इफ यू आर रेफरिंग एनी टेक्स्ट बुक, ओके, सो देर माइट बी सम कंफ्यूजन, सो अवॉइड टेक्स्ट बुक्स अप्रोच बिकॉज दे हैव गॉन थ्रू सम शॉर्टकट मेथड, ओके। बट हियर वॉट वी कैन सी इज द एक्चुअल हाउ टू यू नो कैरी आउट द कैलकुलेशन पार्ट, ओके, प्लीज डू नॉट skip any of the steps which I have taught you today, okay, make sure please go through this video once, twice or thrice and try to solve this same problem without looking to this video, okay, without looking at this video, just try to solve one same problem at least, okay, and make sure that whether your answers are matching or not, jab tak ye hoga nahi, unless until you don't get the confidence, okay, please don't go for the next video. Don't go for the next video. Because if you go to the next video, you won't understand anything. For that, that is, I'm sure. If you skip this things, this part, if you don't understand this part, then if you go to the next video, you won't understand anything. You won't understand anything. So best thing is what? Give some time to this video. Okay? Maybe you take one day. Maybe you take one day. Okay? Go through this video twice, thrice, or four times, five times, any times. You go through this video. Take one day at least. Understand, digest, try to you know solve this same problem by your own without looking at the video, then match the answers. If you are getting correct answers, means you have understood. If you are not getting any if your answers are deviating from this, then make sure ki tumne kahan pe mistake kiya, you find out those mistakes and rectify it. This is the basic, and mind it, agar tumhe ye nahi malum hai, it becomes very difficult to solve numericals on moment of inertia. On moment of inertia. Okay, so now I'm concluding by saying that
डियर स्टूडेंट्स, दिस इज वेरी सिंपल चैप्टर, ओके, वेरी स्कोरिंग चैप्टर, बट कंफ्यूजिंग, इट इज कंफ्यूजिंग, ओके. सो आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज बी सिंसियर, स्टिक टू दिस अप्रोच, डोंट गेट डिविएटेड यू नो बाय योर टेक्स्ट बुक अप्रोच. स्टिक टू दिस अप्रोच, प्रैक्टिस इट विदाउट लुकिंग एट दिस वीडियो, मेक श्योर दैट योर आंसर्स आर मैचिंग विद दिस, ओके, देन ओनली गो फॉर द नेक्स्ट, राइट. सो इन द नेक्स्ट session, we'll start with another problem. Okay, thank you.